हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड्यूरा। आपके अपने स्टॉक ट्रेडिंग एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड की, जो हमने 8 जून को लिया था एंड 22 जून को एग्जिट किया था। उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं हमें। आप देख सकते हैं 1,26,000 प्रॉफिट पर लॉट इन जस्ट 2 वीक्स। और इसी में हमने 22 जून को इंट्राडे ट्रेड भी किया था और उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लिए थे। प्रॉफिट्स थे अराउंड 32,400 पर लॉट। तो आइए देखते हैं ये ट्रेड क्या था, कौन सा शेयर था और इसके क्या लेवल्स थे और हमने इसमें एंट्री क्यों ली थी और हमें कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर, ये है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर और जो सेम पिक्चर है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चैनल ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पर मैं अपने डेली अपडेट्स, ट्रेड अपडेट्स देता हूँ, साथ ही साथ जो भी लर्निंग्स हैं वो शेयर करता हूँ और पोजिशनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। ये हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो ट्रेड था मैंने 8 जून को दिया था, जिसके आप देख पा रहे हैं ये 8 जून पे। इसमें लेवल्स क्लियरली मेंशन है, स्टॉप लॉस था 125 और जो बाय लेवल था वो था इस रेंज में 135 to 146 की रेंज में, टारगेट था 200। इस ट्रेड को लेने के पीछे रीज़न ये था कि मार्केट रिकवर कर रहे थे बहुत बड़ी गिरावट के बाद और ये शेयर भी एक चैनल में मूव करके काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा था। साथ ही साथ इसने इस लेवल पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। मैंने हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम सब जगह एनालिसिस किया तो मुझे ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव ट्रेड लगा। एक यू नो फ्यू वीक्स मैंने मेंशन भी किया है कि ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फ्यू वीक्स, तो मुझे लगा ये बहुत जल्दी एक अच्छे रिटर्न देने वाला है, तो इसलिए हमने इस ट्रेड में एंट्री ली थी। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने 8 जून को जब ये ट्रेड शेयर किया था, शेयर का प्राइस था 150.75, लेकिन मैंने टेलीग्राम में क्लियरली अपडेट किया था हमें 135 to 146 में ही खरीदना है और 8 जून को ही शाम को अराउंड आफ्टर 2 or I think after 3 इसने हमें 145 का लेवल दिखा दिया था एंड नेक्स्ट डे में 143 के लेवल्स भी मिले थे, 143, 145। और मैंने टेलीग्राम में लेवल्स अपडेट भी किए थे कि यहाँ हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। अभी आइए देखते हैं कि इस ट्रेड को हमने फिर कैसे मैनेज किया आगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं 22 जून का, जिस दिन हमने एग्जिट लिया था, तो इसमें हमने इंट्राडे ट्रेड भी लिया था। ये जो डिटेल्स आप यहां पर देख पा रहे हैं ये है हमारा पोजिशनल ट्रेड की डिटेल जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई। और ये जो ट्रेड है ये हमारा इंट्राडे ट्रेड है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये इंट्राडे ट्रेड है। इसमें हमने इंट्राडे में जैसे ही स्टॉक खुला था, यहाँ हमने देखा था काफ़ी गैप के साथ खुला था और इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया था 123। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जस्ट ट्रेडिंग हॉल्ट होने के पहले, मुझे अच्छे से याद है अराउंड 1 or 2 मिनट्स पहले ये ट्रेड में शेयर कर चुका था और हमने एंट्री ले ली थी। और ये ट्रेड इस कुछ इस तरह का था, स्टॉक जिसका स्टॉप लॉस था 220, एंट्री था 223, जस्ट 3 रुपये का स्टॉप लॉस था, 223 की एंट्री थी और टारगेट हमने ओपन रखा था क्योंकि हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 250 बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, बट वो एक बहुत बड़ा टारगेट था, इसलिए इंट्राडे ट्रेड में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हमें बीच में हो सकता है एग्जिट करना पड़े 240 के लेवल्स पे। 241 एक्चुअली मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा था, तो देखते हैं कैसे हमने इसे ट्रेड किया। हमने ये 223 पे जो एंट्री ली थी, एंट्री लेने के बाद स्टॉक ऊपर ही ऊपर बुक करता रहा, इसमें ट्रेडिंग हॉल्ट होते रहे लेकिन हम लोग बने रहे। साथ ही साथ हमने इसमें स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया था जो कि मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहा। फर्स्ट 223 की एंट्री के बाद जैसे इसने 230 क्रॉस किया था, 233, 234, हमने 230 लेवल पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, 230 पर ट्रेल कर दिया था। और उसके बाद हमने वेट करते रहे, फिर ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, फिर मूवमेंट आया। जैसे मूवमेंट आया ये 240 लेवल्स क्रॉस कर चुका था अराउंड 245, तब हमने 241 के लेवल पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। जैसे ही यहाँ आप देख पा रहे हैं इस मूवमेंट में, तो हमने यहाँ का हमने जो स्टॉप लॉस रखा था वो 241 रखा था और फाइनली जो लास्ट मूव था इसमें हमने
अपना प्रॉफिट बुक किया था 250 के लेवल पर यहाँ आते ही। इसलिए हमें अपना टारगेट दे दिया था जहाँ पे मैंने बोल दिया था क्लियरली एग्जिट कर दो। और ऑब्वियसली हमारा जो 200-250 का जो टारगेट था, आपने देखा होगा पिछले स्लाइड में मैंने केवल 200 का ही टारगेट दिया था, लेकिन जब शेयर 193 या 194 आया था, टेलीग्राम में मैंने अपडेट दिया था कि हमें 200 पे देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बोलता है, उस बेसिस पे हम एग्जिट लेंगे। और ये तुरंत ही 209 गया था शेयर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है 19 जून का ट्रेड जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसी दिन इसने 200 के लेवल तोड़ते और ये 22 जून का चार्ट, इसने ब्रेकआउट देखकर ये 209 गया था शेयर। और वहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि जो लोग वेट नहीं कर सकते 250 लेवल्स के लिए, 250 लेवल भी आना इजी है, नेक्स्ट टारगेट इज 250। जो लोग नहीं वेट कर सकते वो 205 और 209 के बीच में अपना एग्जिट ले सकते हैं। एंड 19 को शेयर अराउंड 204 203 के आसपास क्लोज हो गया था। ओके तो उसके बाद अगले दिन तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी आसानी से 250 का टारगेट मिला था। तो इस ट्रेड में, इस ब्रेकआउट को हमने ट्रेड किया और जो भी लेवल्स थे, ये इस स्टॉक को मैं अच्छे से ट्रैक करता हूँ और इसमें ट्रेडिंग भी करता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक बहुत सिंपल एनालिसिस था। और उस सिंपल एनालिसिस का पावर आप देख पा रहे हैं कि हमने पोजिशनल ट्रेड में लिया 1,26,000 का प्रॉफिट, और इंट्राडे ट्रेड में लिया 32,400 का प्रॉफिट। और जो रिस्क रिवार्ड है आप देख पा रहे हैं 1:9 और इस सॉरी 1:7.5 था यहाँ पर, और यहाँ पे था 1:9 का रिस्क रिवार्ड। ओके तो ये रिस्क रिवार्ड आप देख पा रहे हैं, इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड, यू नो इट्स टफ थिंग। ये है टेलीग्राम के वो स्क्रीनशॉट्स जो मैंने एक्चुअली यहाँ कंपाइल कर रखे थे, जो मैंने आपसे पिक्चर शेयर किया था, ये वही पिक्चर है जिसमें मैंने ट्रेड शेयर किया था। और आप यहाँ डिटेल्स देख पा रहे हैं 146 135 के बीच में बाय करने का, 125 स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 200। साथ ही साथ कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए पोजिशनल ट्रेड में, और ये काफ़ी लर्निंग के लिए भी काफ़ी अच्छे रूल्स हैं। यहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि नेक्स्ट टारगेट इज 250, ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड कैरी विद 185 एज कैरी बेसिस स्टॉप लॉस एंड एंजॉय द मनी रेन। सो ऑब्वियसली इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ था तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इस ट्रेड को करने में, और मैंने 250 के लिए यह टारगेट अपडेट कर दिया था। तो ये थी ट्रेड की सारी डिटेल्स और प्रॉफिट्स। आई होप आपको जो ये रिस्क रिवॉर्ड है और ये जो रिटर्न्स है, काफ़ी बड़ा रिटर्न है एक अकाउंट पे, आप समझ रहे हो, और ऑलमोस्ट 80-90% आप अगर लगाएंगे इंट्राडे ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड का प्रॉफिट ऐड करके, तो आपको ये ऑलमोस्ट अकाउंट आपका डबल हो गया होगा। ये इतना बड़ा प्रॉफिट था, ये केवल पर लॉट, और ये भी पर लॉट प्रॉफिट था। आप सोचिए जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए कितना बड़ा प्रॉफिट था। तो ऐसे ही बने रहिए ट्रेडरा के साथ, और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ट्रेडरा चैनल को यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट और लर्निंग वीडियो मिस ना करें। आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं @ट्रेड्यूरा ट्रेडिंग, सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में तो आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपडेट्स एंड लर्निंग के जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है वो वहाँ पर सीख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info.tradeura@gmail.com। आप यहाँ में कोई भी हेल्प या क्वेरीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, और जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया उन्हें भी काफ़ी आनंद आया हो इस ट्रेड को करने में। थैंक यू वेरी मच।